हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रवण चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये मेरा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और क्योंकि वीडियो ना अपलोड करने से नुकसान मुझे ही होता है। खैर, आज जो हॉरर स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा, वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं और उन्होंने इन स्टोरीज़ को रियल बताया है। पर यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इन स्टोरीज़ को रियल मानते हैं या फेक। तो पहला रियल हॉरर इंसिडेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मुझे अहमदाबाद से अली अहमद जी ने भेजा है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अली अहमद है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। जो डरावनी घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ आज से 7 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 7 साल पहले मैं और मेरा परिवार आगरा में रहते थे, लेकिन पापा के काम की वजह से हम लोगों को आगरा से अहमदाबाद शिफ्ट होना पड़ा था। तो ये बात है आज से 7 साल पहले की। तब हम लोग आगरा से शिफ्ट होकर अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद में पापा ने हमारे रहने के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था। हमारा फ्लैट बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था। हमारे फ्लैट में 2 रूम थे, जिनमें से एक में मेरे मम्मी पापा रहते थे और दूसरा रूम मेरा था। मेरा बेड मेरे रूम की बालकनी के बिल्कुल नज़दीक था, और मेरे रूम की बालकनी में कांच का एक दरवाज़ा भी लगा हुआ था। तो जब हम लोग उस नए फ्लैट में रहने लगे, तब शुरुआत के कई दिनों तक हमें कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई। पर 1 महीना बीतने के बाद ही मुझे उस फ्लैट में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। कई बार रात को अचानक ही मेरी नींद खुल जाती थी, और नींद से उठते ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। डरने वाली बात तो ये थी कि मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, और मेरे कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक रहता था। मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होने लगा था। कभी कभी रात को सोते समय मुझे अपने कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आती थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेड पर उठकर बैठता था, वैसे ही चलने की वो आवाज़ बंद हो जाती थी। अपने साथ होने वाली इन घटनाओं से मैं काफ़ी डरा रहता था, लेकिन तब भी मैं अपने मम्मी पापा को ये बातें नहीं बताता था। पर फिर एक रात को मेरे साथ कुछ ऐसा भयानक हादसा हुआ, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और तब मजबूरी में मुझे अपने मम्मी पापा को इन घटनाओं के बारे में बताना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि एक बार रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था कि तभी न जाने किस वजह से अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद से जागकर जब मैंने घड़ी देखी, तब मुझे पता चला कि उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। फिर तभी मुझे टॉयलेट लगने लगी, तो मैं टॉयलेट करने बाथरूम चला गया। फिर मैं टॉयलेट करके वापस अपने कमरे में आया और अपने बेड पर लेट गया। पर जैसे ही मैं बेड पर लेटा, वैसे ही मुझे बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। पानी गिरने की आवाज़ सुनकर मैं दोबारा बाथरूम गया, और तब मैंने देखा कि बाथरूम का नल खुला हुआ है। मैंने सोचा कि शायद नींद में गलती से मुझसे बाथरूम का नल खुला रह गया होगा, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नल बंद करके मैं वापस अपने बेड पे आकर लेट गया। पर मुझे लेटे हुए अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि तभी अचानक से बाथरूम का नल फिर से अपने आप ही चालू हो गया। तब मैं दोबारा से बाथरूम गया, और वहां जाकर मैंने देखा कि बाथरूम के नल से पानी बह रहा है। नल को अपने आप चलता देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद बाथरूम के नल में कोई ख़राबी आ गई है। यही सोचकर मैंने नल बंद किया और फिर मैं वापस अपने बेड पर जाकर लेट गया। बेड पर लेटे हुए मुझे अभी कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक मुझे अपने बेड के पास से बहुत ही भयानक आवाज़ें आने लगीं। मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे कोई लड़की मेरे बेड के पास खड़ी होकर हंस रही हो और रो रही हो। एक पल को वो लड़की हंस रही थी, और दूसरे ही पल वो रो रही थी। उस लड़की के हंसने और रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। हाँ
उस आवाज को सुनकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए डर के मारे मैं जोर से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फिर लड़की के हंसने और रोने की वो भयानक आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उस आवाज के तेज होते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और तब मैंने देखा कि एक भयानक लड़की मेरे बेड के पास खड़ी होकर मुझे घूर रही है। वो लड़की दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस लड़की को देखकर मैं डर से बिल्कुल जम गया था। ना तो मैं चिल्ला पा रहा था और ना मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाते हुए मेरे कमरे की बालकनी का शीशा तोड़कर छत से नीचे कूद गई। ये देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल गया। मैंने उस लड़की के नीचे गिरने की आवाज़ भी सुनी थी। तभी उस लड़की के छत से कूदते ही मेरा शरीर भी सही हो गया और तब मैं तुरंत ही भागकर अपने मम्मी पापा के पास चला गया। मैंने मम्मी पापा को अपने कमरे में हुई सारी बात बता दी। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे साथ लेकर कमरे में आए और तब हम सब ने देखा कि मेरे कमरे की बालकनी का शीशा बिल्कुल ठीक है और छत के नीचे भी कोई लड़की नहीं है। ये सारी घटना बहुत ही अजीब थी क्योंकि वो लड़की मेरे सामने बालकनी का शीशा तोड़कर छत से नीचे कूदी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पर अब सब कुछ ठीक था। फिर ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि तुमको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। उस रात मैं बहुत डर गया था, इसलिए उस रात को मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही सोया था। फिर इसी दिन से हर रात मुझे एक भयानक सपना आने लगा। सपने में मैं देखता था कि मैं अपने बेड पर लेटकर सो रहा हूँ और एक लड़की मेरे कमरे की बालकनी में खड़ी होकर मुझे घूर रही है। फिर वो लड़की मुझसे कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। इतना कहकर वो लड़की बालकनी से नीचे कूद जाती है। ये एक ही सपना मुझे हर रात आता था। फिर मैंने इस सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया। तब मेरी मम्मी ने उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक आंटी से बात करके उन्हें मेरे साथ हो रही सारी बात बताई। मेरी मम्मी की बात सुनकर उन आंटी ने बताया कि जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ, आज से 3 साल पहले उसी कमरे की बालकनी से कूदकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से उस लड़की की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। उन आंटी की ये बात सुनकर मेरी मम्मी भी बहुत हैरान रह गई थी। फिर मम्मी ने पापा को यह बात बताई और उसके बाद कुछ ही दिनों में पापा ने उस फ्लैट को छोड़कर एक नया फ्लैट ले लिया। उस भूतिया फ्लैट को छोड़ते ही मेरे साथ हो रही सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं और अब मुझे उस लड़की के सपने भी नहीं आते हैं। इस नए फ्लैट में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अजीब घटना नहीं होती है। अब फिर से हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी पहली रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे दूसरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे महाराष्ट्र से मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम कुशाल पाटिल है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही अजीब घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ साल 2005 में हुई थी। दरअसल साल 2005 में एक बार मैं, मेरे पापा और मेरी चाची के भाई नासिक शहर से सिलवासा शहर जा रहे थे। नासिक से सिलवासा शहर 127 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक जाने में हमको 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला था। हम लोग शाम को अपनी कार से सिलवासा शहर के लिए निकले थे। कार मेरे पापा चला रहे थे और रात के 8:30 बजे तक हम लोग जौहर शहर के पास पहुंच गए थे। जौहर शहर सिलवासा शहर से पहले पड़ता है और वहां तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ घने जंगल भी हैं। तो हम लोग अपनी कार से उस सड़क से जा ही रहे थे कि तभी अचानक हमें अपनी कार के बगल में एक बाइक दिखाई दी। वो बाइक एक बूढ़ा आदमी चला रहा था और उस बाइक के पीछे एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी। वो बाइक हमारी कार के बिल्कुल बगल में चल रही थी। उस बाइक को देखकर हमें पहले तो कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ देर में ही हमने ध्यान दिया कि उस बाइक का इंजन ही बंद था। ना तो उस बाइक के इंजन से कोई आवाज़ आ रही थी
और ना ही उस बाइक की कोई लाइट ही जल रही थी। अंधेरे की वजह से हम लोग उन बूढ़ा बूढ़ी की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन तब भी हमें इतना जरूर दिख रहा था कि उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी की खाल बिल्कुल सफ़ेद थी। ये सारी बातें हमें बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर तभी हमने देखा कि वो बाइक सड़क किनारे पड़े पत्थरों के ऊपर से भी बिना किसी झटके के चल रही है। यहाँ तक कि वो बाइक सड़क किनारे लगे एक माइलस्टोन के भी आर पार हो गई थी। ये देखकर हम लोग समझ गए थे कि उस बाइक पर बैठे वो दोनों आदमी औरत कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि वो लोग भूत हैं। फिर मेरे पापा ने कार की स्पीड बहुत तेज कर दी, लेकिन कार की स्पीड बढ़ने के बाद भी वो भूतिया बाइक हमारी कार के साथ साथ ही चल रही थी। मेरे पापा उस भूतिया बाइक से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाइक हमारी कार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर कुछ दूर तक साथ चलने के बाद अचानक ही वो बाइक अंधेरे में कहीं गायब हो गई। फिर हम सब बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गए। इसके बाद आगे के रास्ते में वो भूतिया बाइक हमें कहीं भी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी दो रियल हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी। और अब यहाँ से आपको हॉरर स्टोरी सुनाएंगी ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल की ऑनर सीमा जी। अगर आपको ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल का काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। ये कहानी मेरे गांव की है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ। आगे मैं जो घटना बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे गांव के बाहर एक जंगल था, जिस जंगल के ख़त्म होते शहर शुरू हो जाता था। ये बात 1989 की है, जब मैं 15 साल का था। हमारे गांव में न जाने कहाँ से एक महिला आई थी। वो महिला हमेशा काले कपड़े पहने रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। रात होती ही वो महिला जंगल में चली जाया करती थी। लेकिन उस महिला के गांव में आने के बाद से हमेशा गांव के किसी न किसी इंसान की लाश जंगल में बहुत बुरे हाल में मिलती थी। गांव के दो लोग ने जंगल में जाते ही उस महिला का पीछा किया। अगले दिन उनकी भी लाश जंगल में पाई गई। अब बहुत हो चुका था। गांव के मुखिया ने एक दिन गांव के चार हट्टे कट्टे लोगों को रात के वक्त उस महिला के पीछा करने जंगल में भेजा। रात के करीब 1:30 बजे एक भयानक चीख के साथ हमारी आंख खुली। हम सब गांव वाले जब देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि दो हट्टे कट्टे लोगों ने उस महिला को पकड़ा हुआ था और तीसरे के पास एक तेज धार वाला हथियार था। उन लोगों में से एक ने बताया कि ये महिला हमेशा रात के वक्त जंगल में काला जादू करने जाया करती थी और जो भी उसे मिल जाता वो उसे अपना हथियार से बुरी तरीके से मार देती थी। एक तरह से समझ लीजिए कि वो नर बलि देती थी। फिर गांव के मुखिया ने उस महिला को एक पेड़ से बंधवा दिया। मुखिया ने एक बार उस महिला से पूछा कि वो अगर अभी भी ये सब छोड़ दे तो उसे ज़िंदा रखा जा सकता है। इस पर वो महिला बोली, जिंदा रही तो गांव की बर्बादी है, मर गई तो गांव का अंत है। इस पर मुखिया ने उस महिला को जला देने को बोला और फिर गांव के लोगों ने उसे जला दिया। इसके बाद 2 महीने तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन गाँव के कुछ लोगों को गांव के ही एक लकड़हारे की लाश जंगल में बुरी हालत में मिलती है। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। लेकिन वो जंगल ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और वहाँ कोई जंगली जानवर भी नहीं रहता था। गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। लकड़हारे की डेड बॉडी पर नाखूनों से खरोचने और दांतों के काटने के बहुत सारे निशान थे। इसके बाद पहले की तरह जंगल में हमेशा किसी न किसी की लाश पाई जाने लगी। उस वक्त गर्मियों का मौसम था। गांव में पंखा नहीं होने की वजह से गांव के लोग रात में या तो छत पर सोया करते थे या तो घर के बाहर।
एक दिन मेरे चाचा रात में घर के बाहर सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे किसी ने बाहर से हमारे दरवाजे को नॉक किया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ चाचा थे, जिनके कंधे से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उनके कंधे की खाल और मास्क का कुछ हिस्सा नहीं था, जहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था। हमने उन चाचा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रात में सोए हुए थे, तभी उन्हें उनका नाम लेकर बुलाने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्हें अपने पास के पेड़ की डाली पर कुछ उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि ये वही महिला थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वो अब चुड़ैल बन चुकी थी। वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। वो मेरे चाचा को देखकर बहुत भयानक आवाज़ में चीखी। वो चीख सुनकर चाचा जी वहाँ से भागने लगे। मेरे चाचा थोड़ी दूर ही भागे थे, तभी उस चुड़ैल ने मेरे चाचा को पकड़ लिया और उनके कंधे पर बहुत ज़ोर से काट ली। मेरे चाचा जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अपना पूरा जोर लगाकर उस चुड़ैल की पकड़ से छूटते हैं और भागकर यहाँ आते हैं। उस दिन रात में खबर आई कि गांव के मुखिया की भी मौत हो गई है। गांव के लोग उन्हें देखने गए तो उनकी लाश तो सबसे बुरे हाल में थी। उनका सिर धड़ से अलग था और उनका सारा खून फैला हुआ था। अगले दिन गांव के कुछ लोग गांव में एक बाबा को लेकर आए। उन बाबा ने गांव में आते ही बोला कि समय बहुत कम है, जो भी करना है आज ही करना होगा। इसके बाद बाबा ने गांव के सभी लोगों को रात में घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने रात में मदद के लिए एक आदमी को अपने साथ रखा। पूरी रात मंत्र उच्चारण करके बाबा ने उस चुड़ैल को मंत्र सहित उस पेड़ में कैद कर लिया था जहां उसे जलाया हुआ था। इसके बाद गांव के लोग सुख शांति से रहने लगे और आज हमारा गांव काफी विकसित हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया हूं। नहीं तो मैं इतना लेट नहीं होता हूं। वैसे मेरे दूसरे चैनल पर भी एक दो दिन में वीडियो आ जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। खैर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।